हिजबुल्ला को निपटाना इतना आसान नहीं है जितना कि इजरायली सेना समझ रही थी, क्योंकि अपने कमांडर इन चीफ हसन नसरल्लाह के जाने के बावजूद हिजबुल्ला आईडीएफ के सामने डट कर खड़ा है। वो लगातार आईडीएफ को झटके पे झटके दे रहा है, यहाँ तक कि अब हिजबुल्ला ने सीधे नेतन्याहू को मारने के लिए अपना एक विस्फोटक ड्रोन सीधे नेतन्याहू के घर पर दाग दिया। लेकिन गनीमत यह रही कि उस वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं थे। और अब हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया है, जो लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था। इसके अलावा हिजबुल्ला के हमलों की वजह से कब्जे वाले फिलिस्तीन में आईडीएफ के एक ड्रोन को पीछे हटना पड़ा। हिजबुल्ला के मुताबिक 20 अक्टूबर 2024 को शाम करीब 4:30 पर हिजबुल्ला की एयर डिफेंस यूनिट की आईडीएफ के हर्मीस 900 ड्रोन से भिड़ंत हुई और उसे लेबनानी एयर स्पेस से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने हाइफा बंदरगाह पर भी ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया और इससे पहले हिजबुल्ला के लड़ाकों ने शाम करीब 4 बजे तिरा कार्मेल बेस पर दर्जनों रॉकेट दागे। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने आईडीएफ के सप्लाई केंद्र सैमसन मिलिट्री बेस के साथ साथ तिरत कार्मेल मिलिट्री बेस पर जमकर बमबारी की। और इसी बीच जब बेरिया मिसाइल बेस, मरकाबा, कासला हाइट्स और हुनैन बैरक्स पर जब आईडीएफ के जवान इकट्ठा हो रहे थे, तो उस वक्त उनके ऊपर हिजबुल्ला ने कई राउंड्स रॉकेट फायर किए। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में आईडीएफ ने भी लेबनान की पूर्वी बेका वैली पर भीषण बमबारी की है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही बेका वैली आईडीएफ के निशाने पर है। आईडीएफ के मुताबिक यह इलाका हिजबुल्ला के गढ़ के रूप में माना जाता है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने भी बेरूत को अपने हवाई हमलों से दहला कर रख दिया। आईडीएफ का कहना है कि उसने बेरूत में हिजबुल्ला को फंडिंग करने वाले समूहों पर हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरूत के उपनगरीय इलाके में आईडीएफ ने कम से कम 11 हवाई हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक इनमें से अधिकतर हमले अलकर्द अल हसन की शाखाओं पर हुए हैं, जो एक बिना लाइसेंस वाला बैंक है और यही बैंक हिजबुल्ला को कैश मुहैया कराता है। आईडीएफ के इन हमलों को लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि उसने बेरूत में कम से कम 10 धमाकों की आवाजें सुनी हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे बताया कि बेरूत के उपनगरीय इलाके के चिया में एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। और इस हमले में गौर करने वाली बात यह है कि जिस अलकर्द अल हसन बैंक की ब्रांचों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है, उसे अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने प्रतिबंधित किया हुआ है। पूरे लेबनान में इस बैंक की 30 ब्रांच हैं और इनमें से 15 ऐसी ब्रांच हैं जो बेरूत के बीचों बीच घनी आबादी में है, और यही वजह है कि अब आईडीएफ इस बैंक की कमर तोड़ने में लगी हुई है।